आज बॉलीवुड के सुपरस्टार रजनीकांत अपना 70वां जन्मदिन मना रहे हैं। 12 दिसंबर 1950 को रजनीकांत का जन्म बेंगलुरु के मराठी परिवार में हुआ था। गरीब परिवार में जन्मे रजनीकांत ने अपनी मेहनत और कड़े संघर्ष की बदौलत बॉलीवुड में काफी नाम और शोहरत कमाया है। आज सुपरस्टार रजनीकांत के जन्मदिन पर हम आपको उनके संघर्ष से जुड़ी एक कहानी सुनाएंगे और ये बताएंगे कि कैसे एक कूली और बस कंडक्टर की किस्मत चमकी और उसके नाम के आगे सुपरस्टार लग गया। दरअसल रजनीकांत का असली नाम शिवाजी राव गायकवाड़ है। उनके पिता का नाम रामोजी राय गायकवाड़ था। वो एक हवलदार थे। चार भाई बहनों में रजनीकांत सबसे छोटे थे। जब वो सिर्फ 4 साल के थे तभी उनकी माँ गुजर गई, जिसके बाद उनका पूरा परिवार टूट गया और रजनीकांत को अपने घर की खस्ता हालत का एहसास होने लगा। उन्हें हर दिन एक एक रुपए के लिए मोहताज होना पड़ता था। जब रजनीकांत का परिवार रोटी पानी तक के लिए तरसने लगा तब उन्होंने कूली का काम शुरू किया। इसके अलावा रजनीकांत ने बढ़ई का काम भी किया। कुछ समय बाद उन्हें बेंगलुरु परिवहन सेवा में बस कंडक्टर की नौकरी मिल गई। रजनीकांत के फिल्मों में आने की कहानी। वैसे रजनीकांत काम तो कर रहे थे, घर चलाने लायक पैसा भी जुटा लेते थे, लेकिन उन्हें फिल्मी दुनिया काफी लुभावनी लगती थी। वो पर्दे पर आकर एक्टिंग करना चाहते थे। कंडक्टर की नौकरी करते हुए ही उन्होंने कन्नड़ रंगमंच में काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद फिल्मों में काम करने, अपने सपने को पूरा करने के लिए रजनीकांत ने अपने एक दोस्त की मदद से 1973 में मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया। एक्टिंग में डिप्लोमा हासिल करने के बाद 25 साल की उम्र में उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। उनकी पहली तमिल फिल्म अपूर्वा रागनगाल थी। इस फिल्म में उनके साथ कमल हसन और श्रीविद्या भी थी। 1975 से 1977 के बीच उन्होंने ज्यादातर फिल्मों में कमल हसन के साथ विलेन की भूमिका में काम किया। लीड रोल में उन्होंने पहली तमिल फिल्म 1978 में भैरवी की। ये फिल्म काफी सुपरहिट गई, जिसने रजनीकांत की जिंदगी बदल दी। इसके बाद रजनीकांत ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्में देते चले आए। अलग अंदाज और दमदार अभिनय की बदौलत वो साउथ सिनेमा के सुपरस्टार बन गए। साउथ में शोहरत की बुलंदियां छूने के बाद रजनीकांत ने बॉलीवुड का रुख किया और फिल्म अंधा कानून से डेब्यू किया। बॉलीवुड में भी अपनी दमदार एक्टिंग और सिग्नेचर स्टाइल से उन्होंने लोगों को दीवाना बना दिया। उनका सिगरेट को फ्लिप करने का अंदाज हो, सिक्का उछालने का यूनिक स्टाइल हो या चश्मा पहनने और हंसने का अंदाज, सभी को लोग दिलों से पसंद करते हैं। वैसे तो सिंगल स्क्रीन सिनेमा घरों में फिल्मों के शो 12 बजे शुरू होते हैं, लेकिन रजनीकांत की कई फिल्मों में ऐसा हुआ जब दर्शक सुबह 5 बजे ही सिनेमा घर के बाहर पहुंच गए और सिनेमा घर के मालिकों को शो तभी शुरू करना पड़ा। एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि रजनीकांत की सीन आने पर दर्शक उन्हीं के स्टाइल में सिक्के उछालने लगे और कई सिक्के एक साथ पड़ने पर सिनेमा घर के पर्दे फट गए थे। तब से ही भारत में सिनेमा घरों में सिक्के ले जाने पर पाबंदी लगा दी गई। आज रजनीकांत के जन्मदिन पर हमारी ओर से उन्हें ढेरों शुभकामनाएं। बॉलीवुड के तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें।